अरे कोई है भाई, चाय ले आओ यार, सुबह सुबह। गजब हो गया रिंकी पिंकी। अरे गजब हो गया, क्या हुआ? बर्बाद हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? क्या है बर्बाद हो गए? कुछ बोलो कि बर्बाद हो गए हम। अरे क्यों बर्बाद हो गए? काहे पिन पिन आ रहे हो? पहले ये बताओ कि हम दोनों में से माँ बनने वाला कौन है? ए यहाँ हमारी तो ठीक है, तू तो क्या बोल रही है? अपनी अपनी छोड़ो, ये पहले सोचो इस मुसीबत से बचा कैसे जाए। सरकार ने नसबंदी करारा लागू कर दिया है। क्या? नसबंदी मेरी हो रही है, बेहोशी दोनों हो रही है। होश में आओ, बेहोशी का नाटक छोड़ो, अभी बताओ इस मुसीबत से बचा कैसे जाए। चलो सरकार के पास। हाँ। वहाँ पे चल के केस करेंगे। केस करेंगे, ये बात सही है, सही है। मुकदमा करेंगे। हाँ। ये गलत है, गलत है, गलत है। चलो गलत है। स्टेट भी हमको ऐसे ही लग रहे हैं, निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे है। आ तो कार्रवाई प्रस्तुत की जाए। जज साहब, ये हैं मिस्टर रंपत, जो कि आज से एक साल पहले रेलवे स्टेशन पर बेचा करते थे चना मसाला नमकीन कुरकुरा और कंपट, और आज ये आपके सामने खड़े हुए हैं मिस्टर रंपत। वकील साहब जी, किसी की जाति जिंदगी से आपको क्या मतलब पड़ा है? अदालत है, जिस मसले में हम यहाँ आए हैं उसका समाधान कीजिए आप, नहीं हम आपकी पोल खोल देंगे। हम वकील हम भी जानते हैं, आप टाट पीटो भीख मांगते थे। हम वकील हैं, हम किसी के मसले और घोसले में बिना बताए बिना इजाजत के पहुँच सकते हैं। आदर, आदर, आदर। एक बड़ा पाव, दो बिरयानी, तीखा काम, जल्दी वो भी। हमारी फरियाद सुनी जाए। वकील साहब जी, आपको जो कुछ कहना है सभ्यता के कटहरे में कहिए। वो तो सभ्यता आपको रात में याद रखनी चाहिए थी, एक के बाद एक धड़ाधड़, पात पे पात, पात पे पात, इतना कौन पातता है? पाकिस्तान के परमाणु बम इतने नहीं आते भारत पे जितने आपने रात में हमले कर दिए पिछवाड़ा दिखा के। लगता है आप पादों से पैदा नहीं है। हमको पा बनता है, पास से ही पैदा होता है, और पास से ही पप्पू दुनिया में आता है, और उसी पास से आप पैदा भी है। फैसला कौन करेगा? ये दोनों लड़ते रहेंगे तो। इसको छोड़िए फिजूल की बातों को, आप अपनी बात जज साहब को बताएं। हुजूर हमारी फरियाद है, ये सरकार ने कानून लागू किया है हम मर्दों की नसबंदी के लिए, ये गलत है। ये सही है या गलत, इसका फैसला जज साहब करेंगे। आप एक बात बताइए, आपको ऐतराज क्यों है? मैं आप इससे एक बात पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। आपकी नसबंदी हुई? नहीं। हुजूर आपसे पूछ सकता हूँ गुस्ताखी माफ, आपकी नसबंदी हुई? अभी नहीं हुई। तो आप सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझे इस पचड़े क्यों घसीट रहे हैं? देखिए मिस्टर रंपत, अगर नसबंदी होगी तो सबकी होगी, और सबसे पहले इनकी होगी जी। लेकिन आप एक बात बताइए, हमारी पहले क्यों होगी? आप बड़े लोग हैं, आप ज्यादा बह जाते हैं भावनाओं में। अच्छा ये बात है, और इससे देश की जनसंख्या भी कंट्रोल होगी, क्योंकि देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारी भी सुनेंगे, आपकी जनसंख्या के बारे में सोचते रहेंगे। सुनाइए। मजा भी कोई चीज है। तो आप अपने मजे के चक्कर में 15-15, 20-20 पप्पू पैदा कर देते हैं। ओहो, अगर आप वकील साहब, हम भी कुछ कहेंगे। आ जाइए, जब खड़ी थी तो कहेंगे। वकील साहब एक बात बताइए। बिल्कुल। अभी आप नसबंदी कर रहे हैं, अभी तो हमारी शादी हुई है। पहली बात, हम वकील हैं, डॉक्टर नहीं, हम कैसे नसबंदी कर सकते हैं? लागू कर रहे, कानून लागू कर रहे, कहने का मतलब देहाती रह रहा था ना। कानून क्यों लागू कर रहे हैं? चुप रहे, तू चुप रहे। कहने मतलब है, हमारी भी तमन्ना है, हमको कोई पापा कहे, हमारे भी दो चार बच्चे हो जाए,
तमन्ना मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, आपकी तमन्ना हो ही नहीं सकती। तो रूबी होगी हमारी, नहीं तमन्ना है तो? रूबी सिर्फ बनियाइन होती है। कैसे भी साहब, वकील है भाई, अगर आपको आवाज ही रोकनी है, हाँ, नसबंदी करानी है, हाँ, तो उनकी कराइए जो भरे बाजार चौराहे पे मोहल्ले में मजे के मजे लेते हैं, और एक ही दफे में 12-12, 14-14 बच्चे पैदा करते हैं। अरे आप बात किसकी कर रहे हैं? उन कुत्तों की बात कर रहा हूँ। अरे भैया, जो मोहल्ले में खतरा फैला रहे हैं, इन कुत्तों की वजह से हमारे मोहल्ले की बच्चियां, बकरी, गाय सब परेशान हैं, सबकी इज्जत लूटने का खतरा है। अरे वो कुत्ते हैं, वो काट लेंगे अगर उनके उंगली भी करी, नसबंदी कहाँ से कर दे बे? तो मेरे हाथ क्यों डाल रहे हो? तो तुम उनके मैटर में क्यों हाथ डाल रहे हो? तुम अपना हाथ कहीं डालो जाके। उनके पेट में हाथ क्यों डाल रहे हैं साहब, आप कुछ सोचेंगे इस बारे में? मैं सोच रहा हूँ। वकील साहब, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। कहो कहो। मेरी भी इच्छा है, मैं भी 10 बच्चे पैदा करूँ। तो ये तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, और जो आपके मूंगफली के अंदर दाने डाले गए तो उसके ऊपर है, मेरे से क्या पूछ रही हैं आप? हुजूर, आपको पता नहीं है जी, ये हमारी साली ये कुत्तों के डर से घर के बाहर नहीं निकलती है, खाली दरवाजे चाक झांकियां करती है। कुत्तों के डर से कहां से बाहर निकलेगी? घर ही में जो कुत्ते बैठे हुए हैं। आप जैसे बड़े बड़े लोग, वकील, मजिस्ट्रेट, नेता, बड़े बड़े बुलडॉग, बिलायती कुत्ते पालते हैं, देसी कुत्तियां परेशान हो रही हैं। क्यों परेशान हो रही हैं? यही तो समस्या है, समाधान इसी करना है। तो हम उनको बाहर छोड़ते तो हैं, तब ये घर में घुस जाती हैं। कुत्ते करें क्या, वापस घर में आ जाते हैं चुपचाप। आप कुछ कहेंगे? सुन रहा हूँ आप कहे यार, कहते रहिए आप। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें आपकी प्राइवेसी पे दखल हो रही है जी, लेकिन हमने सुना है कि आपकी प्राइवेसी पे दो और लोगों की दखल है। ये पर्सनल लाइफ है, इस मामले में आप मत बोलिए। अच्छा, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, और जो तुम कुत्तों के मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हो, वो तो कुत्ते हैं। अरे ऐसे कैसे कुत्ते हैं? जज साहब, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। ये बहस तो बाद में भी हो जाएगी, पहले मुद्दी पे गौर कीजिएगा। मुद्दी नसबंदी होगी तो सबसे पहले कुत्तों की होगी, कुत्तों की होगी। मुद्दी की बात करो, वरना तुम्हें मुद्दी सुझा देंगे वो मार मार के। हम गुद्दी सुझा देंगे, दिमाग मत खराब करना मेरा, बता रहा हूँ। अरे भैया, तुम इन कुत्तों को जानते नहीं हो, इनका भी संगठन होता है, वो भी विश्व स्तरीय, अगर हाथ भी दिया तो गए काम से। तो ये बताइए कि आप लोगों के कहने के मतलब ये है कि ये कुत्ते जो हैं, ये परेशानी है? अरे बहुत परेशानी है, इनसे पूछिए, ये इनके साथ की घटना घटी है? बिल्कुल घटी है। अरे हमारी नैनो को तो घर से भगा के ले गए थे, और जब नैनो लौट के आई तो 10-12 कुत्ते पीछे हिजड़ा बन के डांस कर रहे थे घर के सामने। हुजूर, ये पूरी बात नहीं बता रहे, वो कुत्ते जिनकी नैनो को ले गए थे और जो 10-15 कुत्ता छोड़ने आए थे, इतना सुझा दिया था कि नैनो की जगह मारुति बहन हो गई थी। अरे ये उनका जानो अधिकार है, तो हमारा भी कोई मानव अधिकार है कि नहीं है? तुम भी ठीक कह रहे हो, अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। एक बार मैंने भी देखा था जी, मेरे मोहल्ले में 10-12 कुत्तों का झुंड आया, वो बड़ी परेशानी होगी। मुझे ऐसा लगा कि हमारी पत्नी के चक्कर में आए हैं। अब तो कुत्ते पत्नियों पे हमला करने लगे। जब आप जैसे घर में कुत्ते हमला कर रहे तो हमारे तो बचाने मुश्किल हो जाएगा। क्या पता इनका दूध पीने आए हो। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, बहुत दूर तक गौर करने से। नजदीक लाइए, बहुत लंबी हो रही है। थोड़ा नजदीक आइए, आपको ज्यादा दूर चले गए अदालत से बाहर। अच्छा, बहुत दूर तक जाने से ये मालूम होता है और यही साबित होता है। क्या? फैसला कर रहे हो कि लौंडिया देख रहे हो? यही साबित होता है कि ये वो है, नहीं वो है, वही है। अदालत सरकार को ये हुक्म देती है कि कुत्तों के संगठन से बात की जाए और उन्हें नसबंदी के लिए प्रेरित किया जाए। कुत्तों का भी संगठन है क्या? किया जाए। अच्छा अच्छा, और नसबंदी के लिए प्रेरित किया जाए। आज मैं हुजूर से जानना चाहता हूँ, इनका कार्यालय कहाँ है? इनका कार्यालय अब हर जगह उत्तर प्रदेश के हर शहर में बनाया गया है, क्योंकि इनकी तादाद जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो इस मामले वहीं चलते हैं।
अब अदालत को बहुत जोर से भूख लगी, जाइए आप खाइए और उसके बाद इन्हें बम भी फोड़ने। आपको कहीं जाएंगे है जी? आपको कहीं जाना है? नहीं नहीं, हम तो यहीं पे आते हैं, यहीं घर बसा लेते हैं। चलो चलो चलो, हम लोग चलते हैं कुत्ता महासंगठन कार्यालय। चलो चलो चलो, तो हम यहाँ काय खड़े रहेंगे, हम भी चल। नेताजी प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। अरे ओ भाग हमारे, जो दफ्तर में आप सब भाई पधारे। अरे रंपत भैया, बुला लिए हो तो? अरे भाभी जी का काहे के ले आए हो? परे सखाई कोई बात नहीं। ए चपरासी, अरे भाई इन लोगन के चाय पानी के इंतजाम। चाय ना पिलाइए, आप हमारी को सुनिए। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। सेवा तो हम समझ रहे हैं, बात हमसे करो ताक उधर रहे हो। अरे भाऊजी पहले बाद में भैया। नेताजी आपकी तारीफ हमारी सुनिए, हमारे बचपन के दोस्त हैं आप। हाँ हाँ, आप नेता हो गए हम वही रहेंगे, लेकिन लेकिन छिनरपना तुम्हारा गया नहीं। देखो भाई, जब हम पार्टी में रहते हैं तो नेता है। अच्छा। और जब हम तुम्हारे साथ रहते हैं तो छिनरन छिनरन अभिनेता है। बोलो क्या चाहत हो हमसे, कौन आवश्यकता पड़ गई? बहुत बहुत रसिया टाइप के हो भाभी। कौनो तकलीफ हो भैया घटाओ, तुम हमसे बात करो। आपकी तारीफ। क्या तकलीफ हो, क्या बोल रहे हो? अरे क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ? आपकी तारीफ। कुछ हमसे भी बात कर लो। ये कौन है? तुमको तो बीमारी है, सांस फूलती तुम्हारी। अरे सांस फूलती हम फुकनी ले लेते हैं, फुस फुस किया सांस बन गया। ये हमारी छोटी साली है, हमारी छोटी बहन है। तो हमारा तो कुछ रिश्ता हो गया। रिश्ता तो हो गया, लेकिन सांस को संभाल के रखो, एक ही चौपाई में चले अच्छा जाओगे। बोलो क्या चाहत हो? सरकार ने कानून बनाया है कि मर्दों की नसबंदी होगी। अब बताइए, अभी हमारा 15 दिन शादी को हुए हैं, एको बच्चा नहीं है। हमारी भी तमन्ना है ना कि हमको कोई पापा कहे और आपको मामा कहे। अरे ये बात नहीं है, अगर तुम्हारी नसबंदी के लिए सरकार कह रही तो तुम करा लो, बाकी और भाई तो है ना। मतलब ज्यादा दिमाग पे जोर न लगावा करो। दिमाग पे जोर नहीं, तुम्हारी भावनाओं को हम समझ रहे हैं। अरे भावनाओं को समझ रहे हो भाभी, तुम परेशान ना हो। देखो भाई, हमारी माता जी का आप अपनी माता जी कहते हैं। अरे हम तो परेशान है ही हैं। तो फिर क्या परेशानी? बहुत परेशान, इनकी हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? तू चुप रहे, वो अपनी व्यवस्था बहुत है भैया, वो अपनी व्यवस्था बना रहा, तो पीछे रहे बात करिए। देखो ऐसा सरकार ने कहा है कि भाई नसबंदी कुत्तों की होनी है कि तुम्हारी होनी? अरे पहले तो मर्दों की होगी। देखो समस्या तो यही है, समस्या अगर है तो इस समस्या का समाधान, इसका कार्यालय कहाँ है? अब यही द्वार से जानने आए हैं, आप नेता का कद्दू है। चाय नाश्ता करना। अरे चाय नाश्ता तब हो गया, जाओ हम जरा देख लें। यहाँ ये हमारे बचपन का दोस्त है, 2-3 दफा लौंडियाबाजी केस में बंद हो चुका है, जेल जा चुका है। ये एप्लीकेशन आई तो दूर रहना इससे। लेकिन अनपत हाँ, तुम चिंता न करो हाँ, जहाँ हम खड़े होते हैं हाँ, हाँ, पार्टी वहीं से शुरू होती हाँ, है। हाँ, नंबर वहीं लगता। आप एक काम करें हाँ, हमारे साथ चले हाँ, कार्यालय। अच्छा। समझे, ये नगर निगम में बात करते हैं कि इसका क्या व्यवस्था है और क्या इसकी सारी कार्रवाई करनी है। देखिए आप नेता हैं, राजनीति करते हैं है ना, बलाओ सारे समस्या जानते हैं आप, सब डिपार्ट जानते हैं आप, इन नसबंदी डिपार्ट नहीं जानते का आप? भाई जब हम कभी करवावा नहीं ना किसी को करते देखा तो नेता बनेगा? हम तो करते हैं, उद्घाटन करने जाते हैं ना। अच्छा। नेता उद्घाटन में जाता है और उद्घाटन करके भाभी जी आता है। उद्घाटन फीता हिया है यार, पकड़ कहे लेते हो? फीता हिया हुआ कहाँ काटने जा रहे हो? क्या ससुर बात सुनिए, संशोधन भी कोई। चलिए कार्यालय चलते हैं। चलो, सुना है कोई नई मैडम आई हुई है। मैडम वहाँ भी है? मरा। अरे क्या बात है, समस्या। अरे क्या बात है, जब मैडम है तो फिर कहे परेशान? समाधान यही हो गया। अरे हम पूरी व्यवस्था कर दे। बड़े यार लबरा आदमी यार, मेहरारू नाम सुनते पूरा ढीला हो जाता है। समझते नहीं हो, ये मेहरारू चीजें ऐसी है, देखते मन हरा भरा प्रफुल्लित होते। बात ये हम जानते, कोई जानता नहीं है। वो क्या, तू दूसरे मेहरारू लबरी आते हो? तुम्हारी मेहरारू हरिचंद से लगी है? अरे वो हरिचंद होकर सगा भाई है, नहीं समझे, रिश्तेदारी में हो हवा कुछ नहीं रहा है। हम सब नेता जी। हाँ जी, आप कहें।
हुकुम करे हम यही देखिए पार्टी बना देंगे। मेरी भी ना बचपन से इच्छा थी 10-12 बच्चे पैदा करने की, जब इनकी नसबंदी हो जाए तो बच्चे कहाँ से पैदा करूंगी। ये है तो ना कुत्ता, ये तो परेशान का है, इनकी हो जाए तो हम लोग तैयार हैं। पार्टी में एक नहीं है, तुम चिंता न करो। ये सफेद कुत्ता है, पार्टी का हर हिसाब हमारे पास है, रजुआ है, भजुआ है, कदुआ है। क्यों नेता जी एक बात बताइए, शादी हमने करी, बच्चे ये पैदा करेगी? वो खुद कह रही 10-12 बच्चे हम पैदा करने के चक्कर में, तभी थोड़ी नहीं, जब शादी होगी तब करेगी ना। अभी अरे चलोगे सब यही फैसला कर लोगे? अरे उद्घाटन हो जाए, कारखाना खुल जाए, फैक्ट्री तैयार हो, फिर भगा भग बच्चा निकालो। साहब क्या मैडम है का? मैडम बैठी अंदर, तो मुलाकात करा दो ना हमारी। बहुत सख्त मैडम है। तू कखई नहीं खा थोड़ा? हाँ तू कहीं नहीं खाओ तब तक मैं मुलाकात करा दो ना। हाँ? खर्चा पानी मिल जाएगा आपको, समझो तो पहले समझ लेंगे। समझ लोगे? हाँ मुलाकात करा। तुम हटो यार, हम समझी थे, कौन महिला सख्त है? कहा है हमारी मैडम? यहाँ नेता बहुत टाइट है, जरा उनसे हमार बात कराओ। संभाल के बात करना, नाम जानते हो का है? का है? बड़ा खतरनाक नाम है, मैडम लीली। मैडम लीली? हाँ नाम सुनते ही हमार हो गए। मैडम है लीली, तुम्हारे पीछे से धोती हो जाए गीली। जरा बात कराओ, हमारी उनसे वार्तालाप होनी जरूरी है। कह दो नेताजी आए हैं। मैडम yes? नेताजी आए हुए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। नेताजी आए हुए? हाँ। किस लिए? कोई बात करना चाहते हैं आपसे। अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। चलो चल ठीक है, अंदर भेजो। नेताजी यहीं से शुरुआत है, स्टार्टिंग तो यहीं से होती है ना। चलो बाद में समझेंगे, पहले उधर से निपट के आवे फिर ले पहले। क्या है यही जमाना है, अजीब आदमी हो। लो जाओ खा ला मुकर, बुला रहे जाओ। तुम बाहर खड़े रहो, कोई बात हो तो हमें समझा देना। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते नेता जी। आइए आइए बैठिए। बताओ नसबंदी हो गई? नसबंदी हो गई तो ऐसा सामान कहाँ मिलेगा यार? ये कौन है? अरे भाई हमारे मित्र हैं, इन्हीं के एप्लीकेशन है। क्या हुआ, फिर बैठने की बीमारी हुई गई तुमका? आप तो जानते हैं नेताजी, जब कोई खूबसूरत चीज देखते तो पता नहीं कौन सा कीड़ा दौड़ने लगता है। वो समझ जाएगी, समझा करो, यहाँ थोड़ा सा बर्दाश्त करो, कुर्सी पर दबा के बैठ जाओ। जब नहीं बर्दाश्त होगा तो आपसे काम निकाल लेंगे। चलिए गाड़ी में जो सब बैठे हैं उनको वहीं बैठाओ, यहाँ बैठो, उससे काम निकालना है हमको। नेताजी हाँ जी, पहले ये बताइए ये आपका मित्र है? मित्र है। हमें तो लगा सर्कस से छूटा हुआ कोई नमूना है ये। ये मेहरबानी इस नमूने की है, ये जो बैठा है नमूना नहीं है, ये जरा क्या है ना, ये प्रफुल्लित किस्म का इंसान है। अच्छा अच्छा, आप हमारा डिजाइन मत देखिए, कलर मत देखिए, तैयारी देखिए। आइए बैठ जाइए। नहीं नहीं हम खड़े खड़े काम चला लेते हैं, बैठने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। अरे बैठियो या बैठा, जब से पैदा हो कोई बैठा नहीं, खड़े रहा हमेशा। आइए किससे मिलने आए हैं? जो है यहाँ के। अच्छा अरे मेरा कहने का मतलब है मैडम, अभी तो देखिए ये नेता खाम खा के हैं, यहाँ की प्रभारी आप ही हैं? देखिए मैं यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट हूँ। जब इतना अच्छा से मान जाओ, चुपचाप न रहो। जब छोटी कुर्सी वाला इतना बढ़िया तो ऊंची कुर्सी वाला कितना अच्छा होगा। ये मौका है, उसका नाम क्या है? लिली। लिली यहीं से काम सब हो जाएगा ढीली। किसने ली? अरे कौन लेगा, पहले हम बाद में तुम। ए तुम दोनों ना मुनो,
इतनी फ्रीली बैठी हूँ मैं यहाँ पे, चलो बैठ जाओ चुपचाप। मैडम जी वो कहाँ है? आंखें नीचे, सीट पकड़ो। अरे भाई जाओ, कहाँ चाहा तो टाइम वेस्ट कर रखा है मेरा। ओ माय डियर, आराम से बैठना। हमसे अच्छा तो कुकुरे है ससुरी, कम से कम मैडम हाथ लगाए रही है। बैठ जाओ। देखिए तो ऐसा है, जब मैडम जी उसको छू रही हैं, उनका उनका आक्ष किसके अंदर होगा? तो उसका आक्ष होगा, कहीं तुम उससे बात करोगे तो उसका आक्ष तुम में होगा, फिर थोड़ी देर के बाद तुम करने लगो। बचो, बचो। हाँ तो आप कुछ कह रही थी? दोबारा उसे छूना मत, अपने हाथों से नहलाती हूँ उसको। मैडम एक काम करिए, आप उसको अपने हाथ से नहलाती हैं, आप हमारी तरफ प्यार से देख लीजिए, उसकी रूह हमारे अंदर आ जाएगी। क्या करूं, इसके सिवा मुझे कोई और अच्छा ही नहीं लगता। सच मुझ ये विदेशी कुत्ते, सुंदर विचार आपके, विदेशी कुत्तों ने, विचार है, विदेशी कुत्तों ने हिंदुस्तान की नारियां खराब कर दी हैं। अच्छा यहाँ बैठ जाइए आप, कोई बीमारी है? बैठते नहीं है? नहीं, बैठने में तकलीफ होती है। अच्छा देखिए ऐसा है सर कि हमारे जो अध्यक्ष हैं टॉमी जी, टॉमी जी, जी वो तो अभी यहाँ पे है नहीं, कहाँ गए? वो मोहल्ला निर्धारण करने गए हैं। वैसे आप यहाँ किस लिए आए हैं? ये क्या कर रहा है? फाइल देख रहे। क्या मैटर है आपका, किस लिए आए हैं? अरे हम लोग आए हैं, वो उनसे बात करनी थी। क्या बात करनी थी? तो किन सुन, एप्लीकेशन देना है। किस बारे में? अरे भाई ये नसबंदी के बारे में। किसकी नसबंदी? हम सोच रहे थे आपका फरुआ जैसा हाथ ही मुलायम कैसे हो गया। मुलायम बाद में देखो, वो देखो चपरासी कितना लंबा खड़ा है। बैठ जाओ, क्या चाहते हो? हम तुम्हारे मारे आए, पता चला हम दोनों के मारे जाए। बैठ। हाँ तो बताइए क्या बात है? एप्लीकेशन देनी थी। किस बारे में? कुत्तों की नसबंदी के बारे में। क्या कुत्तों की नसबंदी? भड़क गई। कुत्तों की नसबंदी? हे भगवान, हम यहाँ पर बैठे हैं कुत्तों की गृहस्थी बनाने के लिए, आप नसबंदी के लिए आ गए? दिमाग सही है आपका? देखिए ये देखिए, क्या क्या स्कीम बनाते हैं हम कुत्तों के लिए। क्या क्या स्कीम? देखिए ये किसी कुत्ते से पैदा है। देखिए हम उनसे बात करने आए हैं नसबंदी के बारे में। ऐसा है कि आप ये तो फाइल दिखा रही हैं, इसमें एप्लीकेशन के बारे में लिखा ठीक है, लेकिन आप ये जरा सोचिए, ये पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं होगी तो ये बेचारा परेशान है नसबंदी के बारे में। आप नसबंदी के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बॉस से ऐसी बात करिएगा भी नहीं। अरे भाई ये उनका जाना दिखा रहे, उनका जाना अधिकार है, हमारा मानव अधिकार कुछ नहीं है। आपके बॉस है कौन? अरे आप क्या बात करती हैं, आपके बॉस कौन है? अरे बात करते हैं। टॉमी जी के मुंह मत लगिएगा। टॉमी जी एक बार अगर वो आ गए तो फिर बोलने काबिल नहीं छोड़ेंगे आपको। अरे आप क्या बात कर रही हैं? आप ये भी तो जरा सोचिए, कानून हम बनाते हैं। अरे नेता जी यहाँ आओ, और आपको मानना पड़ेगा आप कानून बनाते हैं। क्यों नहीं, हम नेता हैं। हमारा स्टाइल चुराते हो, हमारे हिस्से का माल खुद खा जाते हो, हमें कानून सिखा रहे हो। अच्छा यही कहने आए हो ना, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। हाँ, इन कुत्तों की आबादी बढ़ रही है, इन कुत्तों की आबादी। बात हम समझ गए। रंपत जी, कुत्तों की आबादी बढ़ रही है, आबादी तो इनकी भी बहुत बढ़ रही है, इन कुत्तों की आबादी बढ़ रही है। क्या ख्याल है आपका? इनकी आबादी की मत पूछिए, गली में जीना हराम कर रखे ये कुत्ते। समझते नहीं हो, हम लोग जो उनको पालते हैं अपना दिल बहलाने के लिए पाला करते हैं। अगर आप इसी तरह कुत्तों का समर्थन करते रहे तो सरकार इन्हीं की हो जाएगी। कुत्तों से बू आ रही है? हाँ। भाई कुत्ते हर जगह जगह गंदगी भी तो करते हैं। और आपने तो पूरा देश गंदा कर रखा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ। आप लोग कुत्तों के बारे में कुछ सोचते हैं? बेचारे कुत्तों को आजकल जगह और टाइम ही कहाँ मिलता है। हाँ। अरे तो इनका विरोध करो, तभी तो चौराहे पे निरोध लेके घूमते हैं।
एक तो अपने घर में विदेशी कुतिया पाल लेते हो, जब विदेशी कुतिया घर में आएगी तो देसी कुत्तों का मन तो मचलेगा। ये बात पॉइंट की सही है। और जब मन मचलेगा तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। बिल्कुल, कुकुर दरवाजा तोड़ डालेगा। विदेशी कुतिया को बर्दाश्त नहीं करते, देसी कुत्ता बहुत हरामी होता है। पहले तो अपने शौक के लिए पाल लेते हो, अरे ये भी तो सोचो कुत्तों की भी अपनी कुछ जरूरत होती है, देसी को भी अपने घर में जगह दीजिए आप। लेकिन मैडम ये देसी कुत्ता बहुत भूखते हैं। ये नेताओं का अपमान है, ये कुत्तों के साथ भेदभाव है। अच्छा। आपको पता है क्या? अभी एक सर्वे में पता चला है कुतियों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, प्रत्येक 7 कुत्तों पर 1 कुतिया है। अरे तो आप बताइए बताइए। मैडम झगड़ा तो लाजमी है। अरे चुनाव लड़ो, सदन में अपनी बात पेश करो। अरे मैडम मेरी बात सुनिए, आपने सही फरमाया कुतियों की संख्या कम हो रही, लेकिन हमारे देश में कन्याओं की संख्या भी कम हो रही है। कुछ दिन बाद ये होगा कि एक महिला के साथ 14 पुरुष होंगे, क्योंकि कन्या हत्या बहुत हो रही है। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं यहाँ कुत्तों के समर्थन के लिए बैठी हूँ। हम इंसानों के समर्थन के लिए आए हुए हैं। आपको पता है क्या? पति से ज्यादा वफादार होते हैं ये। हाँ, पति नौकरी करता है, घर में काम पूरा किया करता है। कुत्तों की आबादी इतनी कम हो रही है। हाँ। साथ में कुतियों की भी। सही बात, लेकिन तब भी कुत्ते तो सीमित है। इसीलिए एक एक औरत दो दो बच्चे दे रही है। आपको पता है क्या, कभी कभी मेरी इज्जत भी खतरे में पड़ जाती है। नेताजी यहाँ आइए, यहाँ आइए। हमको लगता है इसका पति बेकार है। ऐसा करो मैडम जी, एक जांच कमेटी बैठाई जाए, कैसा रहेगा, और उसमें यह पता लगाया जाए कि कितनी विदेशी कुत्ते इन देसी कुतियों के साथ हैं, और कितनी देसी कुत्ते ये कुतिया जो है वो विदेशी कुत्तों के साथ हैं, और उनके बच्चों की जनसंख्या देखी जाए, कैसा रहेगा ये विचार। सबसे पहले उस मीटिंग में मैडम को बुलाया जाए, क्योंकि विदेशी कुत्ता ये भी पाले हुए हैं। बिल्कुल, मैंने पाला हुआ है, मुझे तो अपने पति से ज्यादा यही अच्छा लगता है। वो कैसे? ओवर टाइम यही करता है। मेरी जैसी न जाने कितने कुत्तों पर ही डिपेंड है, पता है आपको कितने वफादार होते हैं, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करता है। तो ठीक है, जांच कमेटी बना ली जाए और उसमें देख सुन लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। हो गई आपकी बात। हाँ। अपने अपने घर जाइए, देखिए कुत्तों का कितना योगदान है आपके घर में। ये तो बहुत कुछ बोल गए, बर्दाश्त करो, भी बोल गए तो हम क्या करें। वो तो कुत्ता का चुम्मा ले रही है। ऐसा है, देखिए मेरा टाइम मत वेस्ट करिए बिल्कुल भी, आप यहाँ से जाइए अपने घर में जाके देखिए। और रही बात मैडम इतनी बुराई कर रहे हैं, तो रंपत जी एक बात सुनिए, आपने कभी एक बात गौर करी है, ये कुत्ते कभी आपकी साली पर नहीं भौंकते होंगे? हाँ, ये बात तो मार्केट की है। वो सारे हमारी साली को देखकर शांत हो जाते हैं, ये कौन सी बात? ये कुत्ते जब अपने जैसे लोगों को देखते हैं ना, तभी भौंकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, तभी इनको देख के ज्यादा भौंकते हैं, इस बिरादरी का है ये। जब प्रतिद्वंदी सामने है तो झगड़ा तो लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक कुत्ता दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये बताओ जी, ये हमको समझा रही है, हम दोनों को कुत्ता बना रही। आप तो पैदाइशी है। अरे ये भी कोई कहने की बात है? अरे तुम्हारे साथ रहेंगे, बड़ा कुत्ता हम छोटा कुत्ता, छोटा सर हम पे भी आ गया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बता रही कि वो रिंकी कहाँ, किससे? इनका कुत्ता जरा आपको दिखा दो, दो चाय लेकर आओ, जमाल घोटा मिला के इन लोगों को दे देना, और कुकुर लेते आना जरा, मेरा टाइम हो गया है। अरे अपना कुकुर दिखा दीजिए ना हमको। मैंने बोला ना मोहल्ला निर्धारण करने गए हैं। अच्छा, मोहल्ला निर्धारण करने गए। चलो रास्ते में मिल लेते हैं, हुआ दो चार कुतिया का रेप हो रहा होगा, चलो देखते हैं। यार कहीं हम लोग को काट न ले। अब जब किसी के काम में दखल अंदाजी कर दो, काट तो ले गए।